तो दोस्तों आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे हक्का एक करोड़पति बनता है। हक्का करोड़पति बनता है कैसे, मैं आपको उसकी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा है। बाइबल भी कहती है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा का नाश होता है। तो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और ज्ञान कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आप उत्पत्ति से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने सब कुछ उसके वचनों के द्वारा बनाया है, तो उसके वचन में ही सब कुछ है। आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए, आपके पास तेज दिमाग होना चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। तो चलिए आज का हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हक्का बक्का के एपिसोड में। तो आज का हमारा एपिसोड है कौन बनेगा महाकरोड़पति। अरे कहा यार, कहा बोले चिल्ला रहे हो सर? कैमरा बंद था सर, आंखों से रिकॉर्ड किए ना। तुम डायरेक्टर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, जाके करो। अच्छा, जब हमारा डायलॉग चालू तो बीच में मत बोला करो, समझे? क्या क्या? हाँ, मिलो बाहर, तब तुमको बताते हैं क्या क्या। नोटंकी करना चाहते हो क्या? क्या नोटंकी करना चाहते हो? सीधे से स्टार्ट करो, हम जा रहे। तो फिर से स्वागत है आपका दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हमारे साथ हमारे सेट पर है चुनीलाल जी उर्फ हक्का। अरे धन्यवाद मुनीलाल जी हमारा स्वागत करने के लिए, धन्यवाद। तो जैसा कि हम आज आपसे एक छोटा सा पहले ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारे एपिसोड को शुरुआत करने से पहले, आपने वैक्सीन लगाया है कि नहीं लगाया है? काहे वैक्सीन लगवाए? काहे नहीं लगवाओगे? क्यों लगवाए? लगवाना जरूरी है, सरकार ने निर्धारित किया वैक्सीन लगवाना। अरे किसने इनको बोला वैक्सीन लगवाना जरूरी है? हाँ कौन है? अरे कैमरामैन देखो। अरे वो का दिखेगा हमको? तुमको होस्ट किसने बनाया है? तुमको यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारा मौलिक अधिकार का है? वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं है, और वैक्सीन का है? ससुरे कभी टेस्ट किए नहीं, 5 साल हुआ नहीं उसको टेस्ट किए हुए, और लगा देंगे हमको, उनके पप्पा का राज है, नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। अगर करना है सवाल जवाब करो, नहीं तो हम जाते हैं। हम वैसे भी परमेश्वर के संतान है, करोड़पति हम हैं वैसे भी। अच्छा ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। काहे लगवाए वैक्सीन? नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, आज मत लगवाइए। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की तौर। हमको गुस्सा ना दिलवाना। हाँ माफ कर दीजिए, तो तुम्हारा बंद करवा देंगे कौन बनेगा करोड़पति। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप जैसा कि आप चुनीलाल जी आज हमारे सेट पर हैं, तो चुनीलाल जी इस एपिसोड को शुरू करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसे सुन लीजिए आप। अरे यार 10 साल से उसको सुनते रहे हैं, क्या कुछ भी हो गया 10 साल से सुनते रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं 10 साल से, हमारे भी कान पक गए हैं, सुनना पड़ेगा आपको वो 10 साल से। चलो बोल लो यार, सुनिए। बोलो। तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जैसा आप एक लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं, एंड उसमें कभी भी आप कुकुर भोके बिल्ली बोले मियां, और केवल यहीं पर बैठे रह सकते हैं, और स्क्रीन पर आप देखिए और अपने सवाल और जवाब के आंसर दीजिए। तो धन्यवाद चुनीलाल जी, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन सुन के समझ गए हैं। धन्यवाद, चलिए धन्यवाद। तो चुनीलाल जी आज का आपका पहला सवाल है पूरे 1000 रुपए के लिए। सही में 1000? हाँ जी 1000 का है। चेक हमें मम्मी के नाम पे देना, ताकि वो भी खुश हो जाए कि बेटवा पैसा लाए दिमाग से। जी जी जरूर। तो पहले हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है पूरे 1000 रुपयों के लिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? जी आप कोई लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। बड़ा कठिन सवाल पूछे हो यार तुम। देखिए इसका जवाब भी बाइबल में है, तो आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा एक काम करो, दोबारा सवाल बोलो। तुम्हारा राज चलेगा यहाँ पे है? अरे हम संभाल बोले, तुम्हारा ये स्क्रीन चालू नहीं है ढंग से, झिलमिला रहा है। सवाल बोलो फिर से। देखिए तो आज का हमारा पहला सवाल है का है? हाँ तो आज का हमारा पहला सवाल है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? पहले मुर्गी आई अंडा आया? देखिए ये एक सिंपल सा छोटा सवाल है जो कि उत्पत्ति में है, आपको मिल सकता है बाइबल के उत्पत्ति में। बहुत ही इजी है क्वेश्चन और आंसर बहुत ही इजी है। तो एक और चांस देते हैं आपको, आपका टाइम शुरू होता है 10 सेकेंड के लिए। आप पहले मुर्गी आई या अंडा? मुर्गी अंडा 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 अंडे से ऑमलेट ऑमलेट भुर्जी।
चलो यार मुर्गी का बुक मारो। मुर्गी तो ठीक है कंप्यूटर जी, इनके जवाब को लॉक मार दिया जाए और देखते हैं इनका सवाल सही है या गलत। तो चुनीलाल जी, जैसा कि हमें खुशी हो रहा है देखकर कि आपका जो जवाब है वो सही है। हम जीत गए, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हम है। पता नहीं तुमको होस्ट किसने बना दिया है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ मैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में पक्षी और पशु की रचना की, तो उसमें से एक मुर्गी भी थी। तो जैसा कि चुनीलाल जी का जवाब था कि उनका जवाब सही है, पहले मुर्गी आई। और एक चीज और बता दे, हम ठोके नहीं, हम पढ़े थे बाइबल में उत्पत्ति में। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा है, पढ़े थे आप भी तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो दूसरा सवाल पूछो। हाँ जी, थोड़ा ऐसा सवाल पूछो, ये तो 1000 रुपया वाला बड़ा बड़ा पूछो यार, मम्मी भी खुश हो जाए। ठीक है, तो इस बार का सवाल आपके लिए है 50,000 रुपये का। अरे वाह जी चुनीलाल जी। हाँ जी चुनीलाल जी, तो आज आपका दूसरा सवाल है, इनमें से एक चीज क्या क्या मिलती है। ऑप्शन है आपके पास, पहला रबड़ी, दूसरा पेड़ा, तीसरा जलेबी, चौथा जूता। रबड़ी भी मिलती है, जलेबी भी मिलती है, और तीसरा क्या है, ये तुम्हारा स्क्रीन दिख नहीं रहा है, तीसरा क्या है, रबड़ी, मिठाई, जलेबी और जूता। हाँ जी। अरे यार तुम कह रहे हो एक, इनमें से तीन तो हमको मिठाई की दुकान पे मिल जाएगा। क्या हुआ जी, काहे परेशान कर रहे हो? सवाल भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ था सर, अभी से सवाल आया, देख लीजिए। यार यहाँ हम करोड़पति खेले, बार बार तुम सवाल हुआ हमारा चेंज करेंगे। ठीक है चुनीलाल जी, माफ़ कीजिएगा इस बड़ी बड़ी सी। अरे यार कहाँ हम आ गए हैं, पैसा दो यार, हम देंगे एक ही सवाल को जाते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है चुनीलाल जी, जैसे कि हमारे स्क्रीन पर सही सवाल आ गया है, तो आपका सवाल है कि इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो मिठाई की दुकान पर नहीं मिलती है। ऑप्शन है आपका ए रबड़ी, बी पेड़ा और सी जलेबी और डी जू। मुनीलाल जी हमको तो पहले से ही पता था, एक काम करो 50,000 का चेक बांध दो, जूता को लॉक कर दो। चलो जी ठीक है, देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। तो कंप्यूटर जी, अरे कंप्यूटर से पहले कह दिए हैं। अरे हाँ जी, हमारा भी कुछ प्रोसीजर कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। हाँ जी कॉमन सेंस। तो कंप्यूटर जी इस जूते के आंसर को लॉक किया जाए, तो देखते हैं ये जवाब सही है या गलत। तो चुनीलाल जी आप जीत चुके हैं पूरे 51,000 रुपये, कॉन्ग्रेचुलेशन चुनीलाल जी। इसमें हम एक्साइट नहीं होंगे, ये कॉमन सेंस वाला जवाब था। हाँ जी सुन लीजिए, चलिए आगे बढ़िए, थोड़ी बड़ी अमाउंट का सवाल पूछिए। अभी जो आ रहा है वो 1,000,000 का सवाल है चुनीलाल जी, तो दिल थाम के बैठिए और फटाफट बोलिएगा चुनीलाल जी। हाँ जी, तो चुनीलाल जी ये जो तीसरा सवाल है वो है पूरे के पूरे 1,000,000 रुपये का, तो दिल थाम के बैठिए और सोच समझ के जवाब दीजिएगा चुनीलाल जी। प्राइस का अमाउंट बढ़ाइए, हो गया। ठीक है, ज़्यादा बकैती मत कीजिए। तो चुनीलाल जी आपका आज का तीसरा सवाल है कि जो पंखा है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। देखिए मुनीलाल जी, हाँ सवाल जी। बड़ा सिंपल है, अगर पंखा बजाज का है तो वो पुल्लिंग है, अगर पंखा उषा का है तो वो स्त्रीलिंग है। तो ठीक है चुनीलाल जी, जैसे कि आपका जो जवाब है उसे एक बार लॉक किया जाए, तो कंप्यूटर जी इस जवाब को लॉक कर दीजिए, तो देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। तो मुबारक है चुनीलाल जी, तो आपका जो सवाल का जवाब था वो बिल्कुल ही सही है, तो चुनीलाल जी आप जीत चुके हैं पूरे के पूरे 1,51,000 रुपये। वाह चुनीलाल जी। हाँ मुन्नीलाल जी, बहुत सही बहुत सही, आज हमारी अम्मा बड़ी खुश होगी। तो चुनीलाल जी ये आज का आखिरी सवाल है पूरे के पूरे 1 करोड़ का। तो चुनीलाल जी इस सवाल में नहीं आपको लाइफलाइन मिलेंगी, नहीं आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि ये सवाल 1 करोड़ का है। तो जैसा कि आज का सवाल है आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन जी, अरे मुनीलाल जी इसको तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुवचन उसे कहते हैं जब बहु अपने ससुराल वालों को खरा खोटा सुनाती है, उसको बहुवचन कहते हैं। आप लॉक कर दीजिए, ये सवाल का जवाब एकदम सही है। जी ठीक है, तो कंप्यूटर जी जो चुनीलाल जी का जवाब है उसे लॉक किया जाए, देखते हैं ये 1 करोड़ का सवाल सही है, चुनी जी जीत के जाएंगे या हार कर जाएंगे। तो चुनीलाल जी जैसा कि ये जो आपका जवाब है वो बिल्कुल सही है चुनीलाल जी, आप जीत चुके हैं।
भी बन गया। जी जी आज हमारी अम्मा हम पे नाश करेगी, फकर करेगी, खुश हो जाएगी। जी बहुत फकर करेंगी आपकी अम्मा कि आप बकैती करके आ रहे हैं, कौन बनेगा महा करोड़पति में। तो मुबारक है चुनीलाल जी, आपका चेक आपके घर। अरे मुबारक अपने जेबा में ना, हमको ये बता पैसा कैसे दोगे। जी एक हफ्ते के अंदर आपके पास आपका चेक पहुंच जाएगा। जैसे हम आपको पहले कहे थे जी, चेक हमारी अम्मा के नाम पे होना चाहिए। अम्मा के नाम पे? आपकी अम्मा का नाम क्या है? फूलमती? नहीं, हमारी अम्मा का नाम सावित्री है। जी ठीक है, तो उस चेक को हम सावित्री देवी जी के नाम पर भेज देंगे। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ सेट पर बैठने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में। तो थैंक यू दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चुनीलाल जी ने सारे के सारे जवाब सही दिए हैं। तो आप भी आ सकते हैं हमारे सेट पर, हमारे नंबर स्क्रीन पर है, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।